ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो मॉड्यूल कवर करने जा रहे हैं डेट इज़ द डेडलॉक। ठीक है, डेडलॉक पूरे मॉड्यूल में आप लोग क्या करेंगे, डेडलॉक के करेक्टरिस्टिक्स, सिस्टम मॉडल, डेडलॉक डिटेक्शन, डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस। फिर फर्दर डेडलॉक डिटेक्शन में एक सब टॉपिक आएगा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग आगे जाके कवर करेंगे। डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, फिर बैंकर्स एल्गोरिथम आपका आएगा अंडर डेडलॉक अवॉइडेंस, जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसमें आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे सारे। ठीक है, देखिए डेडलॉक के ये सारा पॉइंट समझने के लिए यू मस्ट बी क्लियर अबाउट डेडलॉक करेक्टरिस्टिक, क्योंकि डेडलॉक करेक्टरिस्टिक्स में अगर आपको एक भी पॉइंट क्लियर नहीं होता है, इट मीन्स कि आपको सारा टॉपिक्स क्या करना पड़ेगा, रटाफिकेशन में जाएगा। ठीक है, तो डेडलॉक को पहले समझिए होता क्या है। डेडलॉक को एक जनरल टर्म्स में, जनरल सिनेरियो में देखिए होता क्या है। जैसे हम बोलते हैं ना कि पहले आप पहले आप, या फिर हम बोलते ना तो अरे हम तो ना तो आगे जा सकते ना हम पीछे जा सकते, तो जनरल सिनेरियो उसको क्या बोलते हैं, डेडलॉक हो गया। फॉर एग्जांपल सपोज आपको एक ट्रैफिक लाइट है, एक सिचुएशन है लाइक दिस, आपके पास यू हैव फोर व्हीकल इन अपोजिट डायरेक्शन ए बी सी डी, और इन सभी को इनके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करना है एट द सेम टाइम। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, एट द सेम टाइम, अगर सेम टाइम नहीं होगा तो डेडलॉक का कोई कंडीशन नहीं आएगा। ठीक है, सेम टाइम पर इन सभी व्हीकल्स को उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, ए को जाना है यहाँ पर और यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि बी को भी इसको क्रॉस करना है, तो ये सभी एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, चारों वेट कर रहे हैं। ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डेडलॉक। अब डेडलॉक को अपने सब्जेक्ट पर लेकर आइए, तो डेडलॉक किक में आपके पास क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, जब आप सब्जेक्ट रिलेटेड सिनेरियो में देखेंगे, एक आएगा प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम इन अ रनिंग स्टेट। देखिए जब प्रोग्राम रन करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस। इट मीन्स जब प्रोसेस एक्सिक्यूट होता है तो उसको पूरा एक्सिक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए बीच बीच में क्या चाहिए होता है, या स्टार्टिंग में हम बोल देते हैं सबसे पहले क्या चाहिए होता है, सीपीयू चाहिए होता है। सीपीयू इज़ वन ऑफ द रिसोर्स जो कि उसको एक्सिक्यूशन के लिए चाहिए होगा। इसके अलावा भी और रिसोर्सेज चाहिए होता है, सपोज प्रिंटर चाहिए, उसको स्कैनर चाहिए, तो इस सबको क्या बोलते हैं, रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है, दैट अ रिसोर्स दैट इज नीडेड बाय द प्रोसेस टू कम्प्लीट द एग्जीक्यूशन। तो रिसोर्स में आपका सीपीयू भी आ जाता है, ठीक है, आपका स्कैनर हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, वो सारी चीज़ें जो कि प्रोसेस को चाहिए ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। और आपको मैं याद दिलाने के लिए बताती हूँ कि रिसोर्स, पर्टिकुलर रिसोर्स को किसी एक प्रोसेस के लिए एलोकेट करना, ये कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सपोज एक पर्टिकुलर रिसोर्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको एक पर्टिकुलर प्रोसेस को एलोकेट कर दिया। सपोज R1 आपके पास एक रिसोर्स है, ठीक है, जिसको एलोकेट कर दिया है प्रोसेस P1 के पास। ये कौन एलोकेशन कौन कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और इसको एलोकेट कर दिया है ए प्रोसेस और अ सेट ऑफ प्रोसेस डैट इज ब्लॉक वेटिंग फॉर सम रिसोर्सेज डैट इज हेल्ड बाय सम अदर वेटिंग प्रोसेस। सपोज R1 को किसके पास दिया है, P1, P1 ने R1 को होल्ड करके रखा हुआ है, और P1 सेम टाइम पर R2 के लिए क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। P1 ने R1 को क्या करके रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है, P1 क्या कर रहा है, R2 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, और R2 को किसी और थर्ड या सेकंड प्रोसेस ने होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि ये सिचुएशन क्या लीड कर सकती है, अभी डेडलॉक हुआ नहीं है, रिपीटिंग, डेडलॉक हुआ नहीं, ये सिचुएशन क्या कर सकती है, लीड कर सकती है डेडलॉक की तरफ, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस P2 भी वेट कर रहा है और प्रोसेस P1 भी वेट कर रहा है एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, और क्योंकि एग्जीक्यूशन अपना कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि ये पार्टिकुलर रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहे हैं। और ये जो सारे रिसोर्सेज होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन प्रिमिट मोड में होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं, नॉन प्रिमिटिव मोड है, तो ये सारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये डिवाइडेड होते हैं 4 टाइप्स में, ठीक है। अब देखिए, तो एक बार डेडलॉक में रिपीट करती हूँ,
एक ऐसे सिचुएशन, सिचुएशन को बोलते हैं कि जिसमें प्रोसेस या बहुत सारे प्रोसेस ब्लॉक्ड होते हैं. क्यों ब्लॉक्ड होते हैं? क्योंकि वो ऐसे रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहे होते हैं दैट इज़ हेल्प बाय सम अदर प्रोसेस, जो कि वो प्रोसेस भी क्या है अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, दैट इज़ ऑल्सो इन द वेटिंग स्टेट. अब देखिए डेडलॉक के करेक्टरिस्टिक्स आप आइए. देखिए डेडलॉक करेक्टरिस्टिक्स, देर आर फोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेडलॉक: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिवेंशन एंड सर्कुलर वेट. अब देखिए इसमें एक मेन पॉइंट आती है कि ये जो चारों आपके पास करेक्टरिस्टिक्स हैं ये साइमल्टेनियसली आकर होने चाहिए. ऐसा नहीं म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया तो आपने बोल दिया डेडलॉक हो गया, होल्ड एंड वेट है तो डेडलॉक हो गया. नहीं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिवेंशन एंड आपका सर्कुलर वेट, अगर ये चारों कंडीशन एक साथ होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डेडलॉक हो गया. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस द वेरी फर्स्ट कंडीशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन. यहाँ पर आप ध्यान दीजिए क्या लिखा है, एक्सक्लूजन. कन्फ्यूज मत होना, इंक्लूजन नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? एक्सक्लूजन लिखा हुआ है. एक्सक्लूजन का मतलब है कि अ रिसोर्स कैन बी यूज्ड ओनली बाय वन प्रोसेस एट ए टाइम. अगर आप, मैं एक जनरल एग्जांपल लेकर चलूँगी चारों करेक्टरिस्टिक्स के लिए, वो होगा आपका पास एक, सपोज एक प्रिंटर है, ठीक है, ये किसको मिला हुआ है? प्रोसेस P1, यानी कि P1 किसको यूज़ कर रहा है? प्रिंटर को. यानी कि एक पर्टिकुलर जो प्रिंटर है वो एक ही टाइम पर सेम किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के पास जाएगा. ठीक है, अगर सेम टाइम पर P2 उसके लिए रिक्वेस्ट करता है, P2 को भी क्या चाहिए? प्रिंटर चाहिए. और उससे प्रिंटर किसके पास है? P1. म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है कि उसको P2 को प्रिंटर कब तक नहीं मिलेगा, या तो P1 जो है वॉलेंट्री रिटायरमेंट दे देता है प्रिंटर को, या फिर अपना काम पूरा कंप्लीट नहीं कर सकता. म्यूचुअल एक्सक्लूजन बोलता है कि आप प्रिंटर को, एक पर्टिकुलर रिसोर्स को दो प्रोसेस एक साथ यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, इट मीन्स कि आपके पास कोई रिसोर्स है, अगर वो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के पास कहते हैं कि होल्ड करा हुआ है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस ने प्रिंटर को, तो दूसरा प्रोसेस कब तक वेट करेगा? जब तक P1 उसको रिलीज नहीं कर सकता. अब डेफिनेशन पर आइए, रिसोर्स कैन बी यूज्ड बाय वन प्रोसेस एट ए टाइम. अगर कोई दूसरा प्रोसेस है उस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए वेट करता है, तो जो रिक्वेस्टिंग प्रोसेस है दैट इज P2 मस्ट बी डिलेड, उसको वेट करना पड़ेगा अनटिल द रिसोर्स हैज़ बीन रिलीज्ड. क्लियर हुआ? ओके, अब आ जाइए सेकेंड कंडीशन पर. सेकेंड कंडीशन है होल्ड एंड वेट. इसमें क्या किया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन पर एक और बर्डन डाल दिया. उसने कहा कि ठीक है, P1 P2 जो हैं वो प्रिंटर को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, तो हो गया म्यूचुअल एक्सक्लूजन. उसने बोल दिया कि प्रिंटर पर एक और कंडीशन अप्लाई कर दी कि ये जो रिसोर्स होगा वो नॉन शेयरेबल मोड में होगा. ठीक है, आपका जो रिसोर्स होगा वो नॉन शेयरेबल मोड में होगा, कि आप यूज़ तो कर ही नहीं सकते क्योंकि जो प्रिंटर है वो किस मोड में है? नॉन शेयरेबल मोड में है. यानी कि एक ही टाइम पर आपका सेम टाइम पर कि पर्टिकुलर प्रोसेस उसको होल्ड करके रखा हुआ है, तो वो नॉन शेयरेबल है, साथ में उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता. देखिए शेयरेबल नॉन शेयरेबल क्या होता है, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है उसको दो लोग एक साथ रीड कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं शेयरेबल. ठीक है, अगर दो लोग किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एक साथ अपडेट नहीं कर सकते उसको बोलते हैं नॉन शेयरेबल. यानी कि एक प्रिंटर का कोई भी एक इंस्टांस है, उसको एक पर्टिकुलर प्रोसेस को यूज़ कर रहा है तो सेम टाइम पर उसको दूसरा यूज़ नहीं कर सकता. तो होल्ड एंड वेट में बोला है कि अगर सम प्रोसेस मस्ट बी होल्डिंग सम रिसोर्सेज इन अ नॉन शेयरेबल मोड. ठीक है, आपका जो प्रोसेस है P1, ठीक है, उसने होल्ड करा हुआ है R1 को. R1 क्या है मेरा इस केस में? प्रिंटर है. और जो R1 है वो किस मोड में है? नॉन शेयरेबल मोड में होना चाहिए. अगर ये शेयरेबल मोड में होगा तो डेडलॉक हो सकता है कि नहीं हो, क्योंकि P1 भी शेयर कर सकता है और P2 भी शेयर कर सकता है. ठीक है, तो सम प्रोसेस मस्ट बी होल्डिंग सम रिसोर्सेज इन अ नॉन शेयरेबल मोड एंड मस्ट बी वेटिंग टू एक्वायर सम मोर रिसोर्सेज. R1 को तो होल्ड करके रखा ही हुआ है उसने, एक ही R2 के लिए भी वेट कर रहा है. ठीक है, और जिसके लिए वेट कर रहा है वो भी नॉन शेयरेबल मोड में. ठीक है, समझिए इस बात को. अगर ये शेयरेबल मोड में होगा तब भी डेडलॉक हो सकता है कि नहीं हो, क्योंकि ये शेयरेबल मोड में होगा तो ये अपना R2 को यूज़ कर लेगा, R2 को यूज़ करके अपना काम कंप्लीट करेगा, R1 को रिलीज़ कर देगा, और R1 को रिलीज़ करेगा तो तब P2 इसको यूज़ कर सकता है. ठीक है, तभी कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि जो जिसको लिए भी
ये वेट कर रहा है रिसोर्स के लिए, या फिर जिस जो रिसोर्सेज को ये होल्ड करके रखा हुआ है वो सारे रिसोर्सेज क्या है, नॉन शेयरेबल मोड में है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, होल्ड एंड वेट। अब थर्ड कंडीशन पे आइए, नो प्रिवेंशन। नो प्रिवेंशन के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप ऑलरेडी सीपी शेड्यूल पे कर चुके हैं। इसमें बोलते हैं कि अ रिसोर्स ग्रांटेड टू अ प्रोसेस कैन बी रिलीज्ड बैक टू द सिस्टम ओनली एज ए वॉलेंट्री एक्शन। देखिए इसका क्या मतलब होता है कि अगर कोई प्रोसेस है पी वन, उसको रिसोर्स, जो आपका रिसोर्स, हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं, प्रिंटर ही हम लोग लेकर चलते हैं, ठीक है, उसको प्रिंटर चाहिए 10 मिनट के लिए, ठीक है। अब 5 मिनट तक वो यूज़ कर चुका है, 5 मिनट के बाद एक दूसरा प्रोसेस आता है पी टू, वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे प्रिंटर यूज़ करने दीजिए। नॉन प्रमिशन कहता है कि जब तक पी वन अपना काम पूरा 10 मिनट का काम पूरा नहीं कर लेता, वो प्रिंटर को फ्री नहीं करेगा। अब अगर अगर मैं बोलती है प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव के केस में क्या होता है कि थोड़ा काम मैंने कर लिया, फिर टू आप कर लीजिए, बाकी 5 मिनट वाला काम बाद में कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। या तो वॉलेंट्री वो रिटायरमेंट दे, तब तो अलग बात है कि भाई मैंने अपने आप को किल कर लिया, आप कोई भी यूज़ करें, ठीक है। या फिर वो बोलेगा कि मैं प्रिंटर को पूरा 10 मिनट के लिए ही यूज़ करूँगा और 10 मिनट के बाद ही आपको पी टू को ये पर्टिकुलर रिसोर्स अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये जो आपके रिसोर्सेज होंगे वो नॉन प्रमिशन के कंडीशन में होंगे कि जब तक कोई प्रोसेस उसको रिसोर्स को यूज़ करेगा तो उसको पूरा ही यूज़ करके उसको रिलीज़ करेगा, ठीक है। कोई भी अगर कोई दूसरा हाई प्रायोरिटी का अगर कोई प्रोसेस आता भी है तब भी उसको पर्टिकुलर रिसोर्स नहीं मिलेगा जब तक कि पी वन उसको रिलीज़ नहीं करता, इसको बोलते हैं नो प्रिमिटिव। अब आ जाइए सर्कुलर वेट, ठीक है। सर्कुलर वेट क्या कहता है कि ये सारी जो कंडीशन आपने देखी है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया, होल्ड एंड वेट हो गया, नो प्रिमिशन हो गया, अगर ये एक सर्कुलर फॉर्म में ले लेती हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं सर्कुलर वेट। एक सर्कुलर चेन बन जाती है ना, सर्कुलर चेन सच दैट ईच प्रोसेस होल्ड मोर रिसोर्सेज रिक्वेस्टेड बाय नेक्स्ट प्रोसेस इन द चेन। समझिए इस बात को कि पी वन इज होल्डिंग द रिसोर्स आर वन, ठीक है, और सॉरी पी वन इज रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्स आर वन एंड आर वन इज हेल्ड बाय पी टू, पी टू इज रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्स आर टू दैट इज हेल्ड बाय पी थ्री, ठीक है, लाइक दिस। तो ये पूरा अगर आपको एक सर्कुलर चेन बन जाता है, इसको बोलते हैं सर्कुलर वेट, ठीक है। आगे हम लोग आगे जाकर ये भी पढ़ेंगे कि सर्कुलर वेट को हम लोग कैसे रिमूव करें या म्यूचुअल एक्सक्लूजन को कैसे रिमूव करें, लेकिन अभी देखिए कि कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं डेडलॉक की। तो अगर ये पूरा सिनेरियो एक सर्कुलर वेट में बन जाता है तो उसको बोलते हैं सर्कुलर चेन बन जाता है सॉरी तो उसको बोलते हैं सर्कुलर वेट। तो डेडलॉक कब होगा, जब म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रमिशन और आपका सर्कुलर वेट चारों कंडीशन एक साथ अप्लाई होंगी, तो उसको तब क्या हो जाएगा, आपका डेडलॉक हो जाएगा। तो अभी इस कैरेक्टरिस्टिक्स को आप दोबारा से एक बार रीड करिएगा, then we will come to the next point.